हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीश की माँ ने गांव की लड़की मनीषा से उसकी शादी करवा दी थी। अनीश को मनीषा से शादी नहीं करनी थी, लेकिन घर वालों की जोर जबरदस्ती की वजह से उसे वो शादी करनी पड़ी, जिसके बाद अनीश शादी करके मनीषा को अपने घर ले आता है। घर वालों की पसंद से शादी करके दोनों बस एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटी के तौर पर रह रहे थे। शादी के इतने दिन गुजरने के बाद भी अनीश मनीषा से बात तक नहीं करता था। अनीश को मनीषा पसंद ना होने की वजह से वो उससे चिड़ा चिड़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन मनीषा की सास तारा उससे बोलती है, बहू क्या बात है, अनीश और तू कहीं घूमने नहीं जा रहे हो? शादी को इतना समय हो गया। माँ जी, उनको अपने काम से फुर्सत मिले तभी तो जाएंगे ना। मैं बोल देती हूँ, आने दे काम पर से छुट्टी लेकर, घूमाओ थोड़ा, मन भी लग जाएगा तेरा। इतने दिन हो गए घर में बैठे बैठे, तुझे भी बोरियत हो जाती होगी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आप बताओ, चाय पियोगी तो बना दूँ? हाँ बना दे, फिर मैं आराम करने चली जाऊंगी। और शाम को क्या बनाना है अनीश से पूछ लियो। मनीषा चाय बनाकर तारा को दे देती है और तारा चाय पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और शाम को जब अनीश घर आता है तो उसके आने के कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो सोफे पर बैठ जाता है। तभी मनीषा बोलती है, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। जो खाना है बना लो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ने ही बोला था आपसे पूछने को। माँ जी जो बोलेंगी वही करोगी क्या? हर चीज मुझसे पूछकर ही करोगी, बना लो जो बनाना है। अनीश बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और मनीषा खाना बनाकर ले आती है। कुछ देर में सब टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी बैंगन की सब्जी देखकर अनीश बोलता है, अबे यार बैंगन बना लिया, ये कोई सब्जी है? अब क्या परेशानी है आपको, जब पूछा था तब तो आपने बोला कुछ भी बना ले, अब बना लिया है तो बोल रहे हैं। मैं नहीं खा रहा खाना। बेटा खाना छोड़कर ऐसे नहीं जाते, खा ले थोड़ा सा। मैंने कहा ना माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा। अनीश हमेशा अपनी ऐठ में रहता। दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई रोज होती और अनीश को तो वैसे भी मनीषा पसंद नहीं थी, इसीलिए वो हर वक्त उसकी बेइज्जती करता रहता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अनीश काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाता है, जहां उसके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली लड़की गौरी अनीश को रोज देखती थी। अनीश भी उसे पसंद करने लगा था और एक दिन अनीश ने जाकर उसे अपना नंबर दे दिया, जिसके बाद दोनों की फोन पर घंटों बात होने लगी। धीरे धीरे वो बाहर मिलने भी लगे, एक दूसरे के बारे में बातें भी करने लगे। तभी एक दिन अनीश गौरी से बोलता है, तुम मुझे पसंद करती हो गौरी? हाँ अनीश, मैं तो तुम्हारे बिना अब रह ही नहीं सकते। मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत? मैं शादीशुदा हूँ और मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता देता तो तुम मुझे कभी अपने दिल की बात नहीं कहती ना। वैसे तुम्हारी वाइफ के होते हुए भी तुम मुझे अपनी वाइफ क्यों बनाना चाहते हो? यार मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी माँ की पसंद से हुई। मुझे वो पसंद नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो, तुम्हारी ये चिटियाँ कलाइयाँ पसंद है। लेकिन मेरा नसीब तो देखो, मेरी शादी एक गाँव की गवार से हुई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आखिर प्यार तो तुम मुझसे ही करते हो। अनीश और गौरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन काम खत्म होने पर अनीश को अपने घर आना पड़ता है और गौरी शहर में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन अनीश नहा कर आता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर मनीषा के पीछे लग जाता है, जिससे कलेश हो और वो उसको छोड़ने का मौका पा सके। वो बस उसी दिन का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही एक दिन अनीश की शर्ट पर बाल मिलता है, जिसे मनीषा उठाकर अनीश को दिखाते हुए ऐसे ही मजाक में बोलती है, ये इतना लंबा बाल आपके ऊपर कैसे आया? मेरी किसी सौतन का तो नहीं है? अबे यार क्या चाहती हो, पीछे पड़ी रहती हो हर वक्त, कभी ये कभी वो, शक कर रही हो मुझ पर। मैं तो तुमसे उब चुका हूँ, मेरी माँ मेरा पीछा छोड़ दो, गाँव से आई गवार पीछा छोड़ने का क्या लोगी? मैं तो मजाक कर रही थी,
तुम इतना चिढ़ते क्यों हो? जब इतनी तकलीफ है मुझसे तो शादी क्यों की? भले ही गांव की हूँ लेकिन बोलने की तहजीब तो है मुझ में। मैं तो अपने इस मुंह को बंद भी कर लो अब। पता नहीं कौन सा सैंपल आ गया मेरे पास, पिसता रहता हूँ रोज। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो शादी कर ली। अपने घर जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। खरीद कर नहीं लेकर आए तुम मुझे, शादी करके लेकर आए हो। ऐसे नहीं जाऊंगी यहाँ से, इसी घर में रहूंगी, समझे? तो रहो इस घर में, लेकिन मुझसे मतलब रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अनीश और मनीषा एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर दूर रहते, जैसे दोनों को कोई सजा मिली हो। अनीश को इसी दिन का इंतजार था कि कब उसका पीछा छूटे और वो कब गौरी को घर ले आए। ऐसे ही अनीश अगले दिन आखिरकार गौरी को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी के रूप में अपनी माँ से उसकी पहचान कराता है, जिसके बाद गौरी तारा की पैर छूने लगती है। तो ये देखकर तारा बोलती है, ए छोरी दूर हो जा। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? तूने दूसरी शादी कर ली और कुछ तो रहम करता, अपनी पत्नी की शक्ल देख उस पर क्या बीत रही होगी। बदतमीज, निकल जा मेरे घर से। मैं इस घर से नहीं निकलूंगा, ये मेरा घर है। निकालना है तो इस गवार को निकालो, मैं और मेरी पत्नी इस घर में ही रहेंगे। तुझे ये सब करते शर्म नहीं आ रही? पहली पत्नी के होते हुए उसकी सौतन घर ले आया, नाक कटवा दी तूने तो मेरी। निकल जा अभी की अभी इस घर से। रहने दीजिए माँ जी, इनका घर है ना ये, मैं रह लूंगी किसी कोने में। बस मेरे माँ बाबूजी को ये सब मत बताना कि उनका दामाद पत्नी के मरने से पहले ही उसकी सौतन ले आया है। इतना बोलते ही मनीषा रोने लगती है और अनीश गौरी को कमरे में ले जाता है। रोज मनीषा जल्दी उठकर अकेले ही काम करती, गौरी एक भी काम को हाथ नहीं लगाती। मनीषा की सास ये सब देखती है कि सिर्फ मनीषा ही काम करती है और गौरी आराम से बैठी रहती है। तभी तारा मनीषा को बर्तन धोते हुए देखकर बोलती है, बेटा तू ही काम करती रहेगी? वो अपनी चिटियां कलाइयां लेकर आराम करती रहती है, बड़े नाजुक हाथ है ना उसके, जो काम करने से घिस जाएंगे महारानी के। पूरा दिन पलंग तोड़ती रहती है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जा। जब ये सारा काम खुद करेगी ना, तब इसकी चिटियां कलाइयां काली पड़ जाएंगी, तब देखती हूँ इसको क्या हाल होता है इसका। जी माँ जी, अगर आप बोल रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। मनीषा कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती है और मनीषा के जाने के बाद तारा गौरी को बोलती है, बहू झाड़ू पोछा करके बर्तन धो लेना। मम्मी जी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मैंने आज तक अपने घर में कभी चम्मच नहीं धोया। अरे मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ खराब हो जाएंगी। तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, शादी करके आई है, आराम करने के लिए थोड़ी लाया है अनीश तुझे, काम तो करना ही पड़ेगा। गौरी घर का काम करके बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके हाथ सख्त पड़ने लगते हैं और वो काम करना बंद कर देती है। एक सुबह उठकर अनीश अपनी माँ को जाकर बोलता है, मनीषा कहाँ है? उसको बोलो खाना बना देगी। वो अपने घर चली गई रूठ के, कौन है यहाँ उसका जिसके पास रहती, अपनी पत्नी से बनवा ले खाना जाकर। इतना सुनते ही अनीश गौरी के कमरे में जाकर बोलता है, गौरी रोटी बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मेरे हाथ जल जाएंगे, मुझे मत बोलो। तो किससे बोलूं? तुम अब मुझे खाना बनाकर भी नहीं दोगी? शादी करके मैं तुम्हें यहाँ हाथ सेकने के लिए थोड़ी लाया हूँ। मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो और जो देखना है देख लो। मैंने कल ही मैनीक्योर करवाया है, मैं अपनी नाजुक चिट्टियां कलाइयों को खराब नहीं करूंगी। तुम्हें तो अपनी बस चिट्टियां कलाइयां की फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हें मूर्ति बनाकर सजाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। तो क्या आप मुझे नौकरानी बनाने के लिए लाए हो? अरे आए दिन कभी बर्तन धो कभी कपड़े धो, मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना। गौरी की बात सुनकर अनीश को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर गुस्से में बोलता है, हाँ मत बनाओ, अब मुझे खाना भी नहीं है तुम्हारे हाथ का। तुमसे अच्छी तो मनीषा थी, एक बार मैं उससे कोई काम बोल देता था ना तो वो उस काम के लिए मुझे कभी मना नहीं करती थी, और तुमने तो खाना बनाने के लिए ही मना कर दिया। वो अच्छी थी तो उसी के साथ रह लेते ना, मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम्हारी माँ ने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। बुढ़िया सारा दिन बैठकर हुक्म चलाती है उस गवार के जाने के बाद से। मुझे नहीं पता था ना तुम मेरे साथ ये सब करोगी, कितनी बदतमीज हो तुम। अब पछतावा हो रहा है मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती करी मनीषा का दिल दुखाकर कि तुम्हें ले आया यहाँ। तो रहो उसके साथ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। गौरी घर छोड़कर चली जाती है और अनीश को अपनी पहली पत्नी के साथ करे गलत बर्ताव का बुरा लगने लगता है।
और वो उसे मायके से घर ले आता है और उसके सामने सर झुकाते हुए बोलता है, मनीषा मुझे वो चिटियां कलाइयां वाली गोरी नहीं, बल्कि मुझे मेरी गांव की मनीषा ही चाहिए, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पति को माफ कर देती है। अनीश जिस चिटिया कलाइया वाली सौतन को घर लेकर आया था, आखिरकार वो खुद ही घर छोड़कर चली गई और मनीषा को उसका हक मिल गया। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।